नमस्कार दोस्तों, मैं सब्यसाची बैनर्जी फिर से आप सब लोगों का एक बार स्वागत करता हूं मेरा चैनल हैप्पी फिन्स एंड नेचर में। आज हम लोग बात करेंगे ग्लास वर्सेस एक्रिलिक वर्सेस लो आयरन ग्लास के बारे में। अगर आप लोगों को कभी भी मन में डाउट हुआ है कि आपके लिए कौन सा एक्वेरियम अच्छा रहेगा, ग्लास वाला, एक्रिलिक वाला या फिर लो आयरन ग्लास वाला, तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों, जैसा मैं कह रहा था कि ग्लास एक्वेरियम वर्सेस एक्रिलिक एक्वेरियम वर्सेस लो आयरन ग्लास एक्वेरियम, तो पहले चलते हैं, चलिए जानते हैं ग्लास आयरन एक्वेरियम के बारे में। ग्लास एक्वेरियम जो है, ग्लास एक्वेरियम बहुत पुराना है। ये हॉबी का जब से शुरुआत हुआ है तब से ग्लास एक्वेरियम ही यूज हो रहा था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि एक्रिलिक आया, और एक्रिलिक के बाद अभी तो फिलहाल लो आयरन ग्लास का एक्वेरियम भी आ रहे हैं। तो प्लांटेड एक्वेरियम में दोस्तों पहला चीज आपको ध्यान में रखना है कि पहला चीज है आपका व्यूइंग एंगल या फिर आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो डेफिनेटली बात है, अगर व्यूइंग एक्सपीरियंस का बात आता है तो अगर आपके ग्लास में कोई स्क्रैच वगैरह रहेगा तो वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, और लाइट रिफ्लेक्ट करने की वजह से ये स्क्रैचेस जो है और ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगा। तो जो अंदर का व्यू जो है ये व्यू को डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो डेफिनेटली आप जब एक्वेरियम ले रहे हैं तो आपको दिमाग में यही रखना है कि वहां पे स्क्रैचेस कम से कम पड़े। एकदम स्क्रैचेस तो आप नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई भी चीज नहीं है, लेकिन हाँ कितना जितना कम पड़ेगा उतना उसका रिफ्लेक्शन कम आएगा, तो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है अच्छा रहेगा। अभी चलिए जानते हैं कि ये ग्लास एक्वेरियम बेहतर है या एक्रिलिक अच्छा है या फिर लो आयरन ग्लास वाला अच्छा है। तो ग्लास एक्वेरियम अगर आप लेंगे, ग्लास एक्वेरियम में जो एडवांटेज है, तो ये एडवांटेज ये है कि ये जो एक्वेरियम है ये एक्वेरियम बहुत ही लेस एक्सपेंसिव होता है। अब जितना बड़ा आप एक्वेरियम लेंगे ग्लास का थिकनेस बढ़ता रहेगा, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि जैसे आपका थिकनेस बढ़ेगा ग्लास का तो आपका व्यूइंग जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है, ट्रांसपेरेंसी लेवल थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। जितना आप थिक लेंगे उतना ट्रांसपेरेंसी लेवल इसका कम होगा, तो ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है। और इसका दूसरा डिसएडवांटेज यह है कि ग्लास एक्वेरियम जो होता है थोड़ा हैवी होता है। तो जब आप ले रहे हैं तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि कहां पे आपको रखना है, आपके घर के जो भी यू नो स्टैंड अगर आप ले रहे हैं या फिर कोई अलमीरा वगैरह या फिर कोई भी टेबल वगैरह के ऊपर आप रखने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसका इट्सेल्फ बाय इट्सेल्फ मतलब ये जो एक्वेरियम है, एक्वेरियम का खुद का वजन ज्यादा होता है एक्रिलिक या फिर लो कार्बन एक्रिलिक जो लो कार्बन ग्लास जो है उसके कंपैरिजन में। तो ये थे ग्लास के बारे में। अभी बात करेंगे एक्रिलिक के बारे में। एक्रिलिक एक नया टेक्नोलॉजी है, उतना नया नहीं, लेकिन हाँ ये हॉबी में अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली नया एक टेक्नोलॉजी है। तो इसमें क्या होता है कि एक्रिलिक जो टैंक होते हैं, एक्रिलिक टैंक में ग्लास टैंक के जैसे आप चारों कॉर्नर पे ग्लू से आपको ये स्टिक करना पड़ता है, सिलिकॉन ग्लू से आप स्टिक करते हैं, दोनों ग्लास को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस है जो है बहुत ही खराब होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो व्यू है, आपका जो व्यूइंग एंगल है, ये वहां पे रुक जाता है, तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वहां पे सेमी ट्रांसपेरेंसी आपको मिलता है, तो कॉर्नर जो है कॉर्नर खराब दिखता है। और वहां पे आपका एलजीज भी आते हैं, तो एलजीज आने के बाद या फिर कुछ दिन यूज करने के बाद जो ग्लास एक्वेरियम है उसका जो सिलिकन का जो गम लगाते हैं वो लोग, गम के ऊपर एलजीज आके वो थोड़ा ब्लैक स्पॉट हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है ग्लास का और है। और एक्रिलिक अगर आप करेंगे तो एक्रिलिक में क्या होता है कि कोई ज्वाइंट नहीं रहता है, सिर्फ जो आखिर का जो एंड होता है, पीछे का बैक साइड का जो दो ज्वाइंट पॉइंट होता है, वहीं पे आपको ये गम लगाया जाता है। तो आपको अगर कोई भी एलजीज वगैरह आएगा या फिर आपका जो व्यूइंग एंगल है उसमें आपको कोई रुकावट नहीं आएगा, आपको कोई वहां पे डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, तो आपको पूरा का पूरा टैंक क्लियर दिखेगा। लेकिन एक्रिलिक का जो मेन प्रॉब्लम है, एक्रिलिक का मेन प्रॉब्लम ये है कि एक्रिलिक में आप थोड़ा बहुत कुछ भी एलगीज हटाने का कोशिश करेंगे, अगर स्क्रॉच वाइट वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो आपको बहुत ही उस मामले में यू नो होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आप उसमें छेड़खानी करेंगे तो वहां पे स्क्रैचेस आ जाएगा, और डेफिनेटली अगर स्क्रैचेस आ जाएगा तो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। एक्रिलिक का एडवांटेज यह है कि एक्रिलिक थोड़ा लाइट वेट होता है कंपैरिजन टू ग्लास, तो
तो ये हो गया एक्रिलिक का एडवांटेज। डिसएडवांटेज मैंने जैसे बताया, ये बहुत ही स्क्रैच प्रोन है, तो बहुत जल्दी इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। इसका दूसरा डिसएडवांटेज जो है, जो आपको कोई भी एक्वेरियम के दुकान पे नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से, अगर आपका एक्रिलिक टैंक में हाई लाइट लग रहे हैं, या फिर एक्रिलिक टैंक को नॉर्मल जो एक्वेरियम होता है उस तरह का एक्वेरियम बना के आप बार बार डिटर्जेंट से धो रहे हैं, तो डिटर्जेंट या फिर हाई लाइट या फिर कोई भी केमिकल अगर आप एक्वेरियम में डाल रहे हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर वगैरह हो गया, मेडिसिन वगैरह हो गया, ये अगर आप डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे एक्रिलिक का जो है ट्रांसपेरेंसी लेवल कम होते रहता है, और ये एक्रिलिक के साथ एक केमिकल रिएक्शन करता है जो कि आपका वाटर पैरामीटर भी खराब कर सकता है, कितना आप फर्टिलाइजर वगैरह या केमिकल्स डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके। तो एक्रिलिक का ये एक मेन डिसएडवांटेज है दोस्तों। हालांकि ये लाइट वेट है, लेकिन इसका जितना आप यूज करेंगे, जितना ड्यूरेशन जाएगा, जितना आप इसको ज्यादा देर तक यूज करते रहेंगे, उतना इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल दिन ब दिन और कम होता जाएगा और स्क्रैचेस आते जाएंगे। तो आपका सिर्फ एक ही यहाँ पे एक उपाय है, कुछ दिन यूज करने के बाद, कुछ सालों यूज करने के बाद आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये है एक्रिलिक का एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, एक्रिलिक अगर आप नॉर्मल ग्लास वाला एक्वेरियम ले रहे हैं, उसके मामले में कंपेरिजन में थोड़ा एक्सपेंसिव आएगा, तो इसका ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि एक तो ये केमिकल रिएक्ट रिएक्ट करता है, और अगर आप हाईलाइट देंगे, डिटर्जेंट से धोएंगे, तो वीविंग एंगल, जैसे आप लोगों को मैं कह रहा था कि इसमें आपका ट्रांसपेरेंसी लेवल तो कम होगा ही, ऊपर से इसमें एक येलोइश काइंड का एक येलोइश शेड आ जाता है। ये शेड आने के वजह से जो भी आप देखेंगे अंदर थोड़ा येलोइश लगेगा, तो ये तीसरा एक डिसएडवांटेज है। अभी बात करेंगे हम लोग लो आयरन ग्लास के बारे में। लो आयरन ग्लास जो है, ये एकदम रिसेंट टेक्नोलॉजी है दोस्तों। अगर आप प्लांटेड एक्वेरियम में दुकान दुकान में जाके अगर आप टैंक खरीदना चाहेंगे, तो वहां पे देखेंगे एक 2 फीट का टैंक का कहीं पे 15,000, कहीं पे 18,000, कहीं पे 30,000 तक भी प्राइस बोल सकता है। लेकिन इसका मेन रीजन ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, यहाँ पे कोई गम का यूज नहीं होता है, ये पूरा केमिकली बॉन्डेड रहता है। जो भी चारों चारों किनारे जो रहते हैं, चारों कॉर्नर जो रहते हैं, वो केमिकली बॉन्डेड रहता है, बेंडेड रहते हैं। तो इसके लिए आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस में कुछ भी डिफरेंस नहीं आता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही लो स्क्रैच प्रोन है। तो मतलब आप अगर मैग्नेटिक स्क्रबर यूज कर रहे हैं, या फिर स्कॉच ब्राइट यूज कर रहे हैं, या फिर एल्गी हटाने के लिए कुछ भी चीज का आप यूज कर रहे हैं, तो उस मामले में आपको उतना ज्यादा सेंसिटिव होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लो स्क्रैच ग्लास है, इसमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे उतने आसानी से। तीसरा, इसका वेट थोड़ा हल्का होता है, एक्रिलिक के जैसा उतना हल्का नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का होता है। और इसका जो मेन एडवांटेज है दोस्तों, वो है ट्रांसपेरेंसी लेवल। यहाँ पे आपको 90%+ ट्रांसपेरेंसी मिलता है। मतलब अगर आप बाहर से देखेंगे पानी के अंदर से, तो आपको लगेगा नहीं कि वहां पे कुछ भी अलग चीज है जो आपके पानी को होल्ड कर रहे हैं। तो ये इतना ट्रांसपेरेंट रहता है, तो इसी के वजह से इसका प्राइसेस बहुत ज्यादा है, और ये थिक भी होता है। तो अगर आप बड़ा एक्वेरियम ले रहे हैं तो ये अच्छा रहेगा, मैं रेकमेंड करूंगा आप इसके तरफ जाए। लेकिन हाँ, इसका दाम, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया है कि 2 फीट का टैंक के लिए आपको 15 से लेकर 30 हजार तक, दुकान टू दुकान वैरी करता है, तो इस तरह से आपको ये खर्चा आएगा। तो ये थे दोस्तों मेन जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज है ग्लास वर्सेस एक्रिलिक वर्सेस लो आयरन ग्लास का। इसके ऊपर डिपेंड करके आप लोग खुद से डिसाइड कीजिए कि कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सा आपके बजट में फिट है, तो उसके हिसाब से आप लोग जाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर वीडियोस को लाइक कीजिए। ये फिश हॉबी के बारे में अवेयरनेस हम लोगों को और ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसके बारे में दिन ब दिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में खास करके अवेयरनेस बहुत कम है, तो इसको बढ़ाना है हम लोगों को यार। तो प्लीज मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं, मेरा ये मैसेज जो है पहुंच सके, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में सीख सके। तो यही थे, अगर आप ये मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मेरा चैनल में, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके जरिए जब भी मैं नया वीडियोस रिलीज करूंगा, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।